शॉटगन 650 का थोड़ा सा रिव्यू कर दिया जाए। लंडन वाला बिग बेन भी, ये दीदी अलग हीरोइन बनी पड़ी हुई है। तो अब चलिए कैफे के अंदर चलते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है 25 फरवरी 2024। आज जो है अपनी जो बाइक है रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650, इसका लॉन्च किए हुए एक साल हो रहे हैं, पूरे वन ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो रॉयल इनफील्ड ने आज एक इवेंट रखा है, जिस शोरूम से मैंने बाइक लिया है वहां जाना होगा, वहां से आज एक ट्रिप स्टार्ट होगा। ज्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, छोटा सा ट्रिप है, और एक लोकेशन पे जितने भी ओनर हैं सुपर मीटियोर 650 के वो लोग पहुंचेंगे। इवेंट होगा, केक कटिंग होगा, यही सब पार्टी होगा। तो उसके लिए सुबह सुबह उठ गए हैं और अभी टाइम होने जा रहा है 7 बजने वाला सुबह का। 8 बजे से ट्रिप स्टार्ट होगा, तो मेरे को 8 बजे तक वहां पहुंचना है। तो वहां पहुंचते और वहां का प्रिपरेशन आपको आगे का दिखाते रहेंगे। और आज जो मौसम है, मौसम भी आज बहुत ही शानदार होकर रखा हुआ है। मतलब ठंडा तो जा ही चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब फैन चलाने का टाइम आ गया है, लेकिन 2-3 दिन पहले बारिश हो गया है। तो बारिश होने की वजह से क्या हो गया ना, मौसम पूरा ठंडा हो गया है और हवा भी बहुत तेज चल रहा है। तो जैकेट वैकेट तो मैंने सब रख दिया था, लेकिन अब फिर से निकालना पड़ा जैकेट। तो जैकेट वगैरह निकाल लिया, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और आपको एक बार बाहर का नजारा दिखाते हैं, कितना तेज हवा चल रहा है। जैकेट नहीं पहनेंगे तो अवस्था खराब हो जाएगा, बाइक चलाने में तो और हवा लगेगा, ठंडा लगेगा। तो सेफ्टी जरूरी है, तो आपको दिखाते हैं बाहर कितना तेज हवा चल रहा है। ये कुछ बाहर का ऐसा नजारा है, झंडे को अगर आप देख रहे हैं तो झंडे देखिए कितने तेजी में झंडा लहरा रहा है। हवा बहुत तेज चल रहा है, तो बेहतर है कि जैकेट पहन के ही चला जाए। तो चलिए अब बाइक निकालते हैं, बाइक निकाल के रेडी होते हैं और यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आगे आप बाइक पे मिलते हैं। तो ये है अपनी चमचमाती हुई बाइक, इसको निकालेंगे। यार इसको निकालना और घर में ढुकाना बहुत टफ काम होता है यार, सच बता रहे हैं। सो फाइनली यहाँ से अपनी राइड, आज की राइड शुरू होती है। तो यहाँ से हम श्री गणेशाय करते हैं और अभी हम फिलहाल जीटी रोड पे हैं। तो यहाँ से बाली, बेलूर, लिलुआ होते हुए, हावड़ा होते हुए हम लोग कोलकाता जाएंगे, जहाँ हमें शेक्सपियर सरणी में जाना है। वहीं पर रॉयल इनफील्ड का शोरूम है जहाँ से हमने बाइक परचेज किया था। तो प्लान कुछ ऐसा है, उस शोरूम से जितने भी लोग बाइक खरीदे हैं वो सारे बाइक ओनर वहाँ इकट्ठा होंगे, और जितने भी अलग अलग जगहों पर कोलकाता में रॉयल इनफील्ड का शोरूम है वहाँ से अलग अलग ग्रुप जो है वो वहाँ से निकलेगा, एक जगह पे इकट्ठा होना है। इकट्ठा जो ना हम लोग को वो चिनार पार्क में होना है, वहाँ पर भी एक रॉयल इनफील्ड का शोरूम है। तो वहाँ सब इकट्ठा होंगे, जितने भी सुपर मीटियोर 650 के ओनर है वो सारे वहाँ इकट्ठा होंगे। ये आपका चिनार पार्क जो है वो एयरपोर्ट एरिया में आता है, बिल्कुल बगल में ही है, वहाँ इकट्ठा होंगे। वहाँ इकट्ठा होने के बाद वहाँ से अपनी असली राइड शुरू होगी। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:10। प्लानिंग ये था कि 7 बजे निकलेंगे, 1 घंटा हाथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स का राइड हम लोग को कंप्लीट करना है ताकि वो शोरूम तक पहुंच पाए, शेक्सपियर सरणी जो कि पार्कस्ट्रीट के एरिया के आसपास में है। पर 10 मिनट लेट हो गए, खैर कोई बात नहीं, 50 मिनट्स अभी भी हाथ में है। 8 बजे से वहां से राइड शुरू होगी, 50 मिनट्स काफ़ी है क्योंकि आज संडे है और रास्ता भी पूरा फाका है। तो 50 मिनट्स में ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स कवर हो जाएंगे। और आप लोग से बात करते करते हम बाली पहुंच भी गए। ये बहुत ही बड़ा एक एंट्रेंस बनाया गया है, बाली गेट, और इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे एक छोटी सी नदी आएगी। ये एक छोटा सा ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर चढ़ते ही अगर हम अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो गंगा उस पार, दूर आपको दक्षिणेश्वर काली माता का भी दर्शन यहीं से हो सकता है। आप लोगों से बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं चला, बात करते करते हम हावड़ा भी पहुंच गए और अब कुछ ही सेकंड में हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाले हैं, ऊपर नहीं मतलब ब्रिज से जाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक 20 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर दिया है, यहां से और हार्डली लगभग 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, और 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा यहां से जाने में, रास्ता फांका रहता है, तो आराम से स्पीड से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर ही पहुंच जाएंगे। अभी 35 हो रहा है, 7:35, काफी रास्ता फांका था तो आराम से आगे।
35 पूरा 10 रुपए में, मतलब 50-55 तक आराम से हम लोग पहुंचेंगे अपने फर्स्ट स्टॉप पे। फिलहाल टी बोर्ड पहुंच चुके हैं जो कि डलहौजी एरिया में आता है। यहां से अब बहुत कम डिस्टेंस बच गया है। और ये है अपना वर्ल्ड फेमस ईडन गार्डन। कौन नहीं जानता है, क्या तारीफ में कहें हम ईडन गार्डन के। खैर छोड़िए, अपने जगह पे चलते हैं। कोलकाता के सड़कों पे ना सुबह सुबह बाइक चलाने का मजा ही अलग है, लेकिन हाँ सिर्फ संडे को, बाकी तो आप रो देंगे बाइक चलाने में। पाका रास्ता, हरियाली, ग्रीनरी, ओ क्या मजा है यार सुबह सुबह। और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं पार्क स्ट्रीट क्रॉसिंग। यहां सामने ही पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन है। अब यहां से हमें सिर्फ 5-6 मिनट लगने वाले हैं, काफी करीब आ चुके हैं अब। यहां से ले लिया लेफ्ट टर्न और ये रास्ता जो है सीधा चला जाएगा अपने रॉयल एनफील्ड के शोरूम के पास। रास्ता देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, पूरा फांका रास्ता, कुछ भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई लोग नहीं, और ग्रीनरी दोनों साइड भरा हुआ है। आनंद आता है ऐसे रास्ते में चलाने में बाइक, या फिर पैदल भी चले तो अच्छा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए नहीं। तो फाइनली शोरूम पहुंच गए हैं, कुछ बाइकर्स आ चुके हैं, कुछ बाइकर्स का वेट हो रहा है। वो जैसे ही आते हैं हम लोग यहां से अपना राइड आज का स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक बाकी के राइडर्स आते हैं, जब तक उनका वेट करें, तब तक सोचे कि चलो शॉटगन 650 का थोड़ा सा रिव्यू कर दिया जाए। सच बताएं अगर कंपेयर करें सुपर मेट्रो 650 के साथ तो उसके सामने ये फीका है। ऐसा नहीं है कि हमने लिया है तो इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, आप खुद से देखेंगे तो आप खुद से कंपेयर कर पाएंगे। ये मॉडल भी काफी लोगों को पसंद आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिसको पसंद वो बिल्कुल इस बाइक को ले, और लेना भी चाहिए यार, अपना शौक है, अपना डिजायर है तो उसको जरूर पूरा करिए। किसको क्या लगता नहीं लगता उसे क्या फर्क पड़ता है ना। आज का ग्रुप यहां से अपनी राइड शुरू होती है और अपना स्टॉपेज जो होगा वो चिनार पार्क रॉयल एनफील्ड शोरूम में होगा। वहां सब इकट्ठा होंगे और वहां से आज का जो ओरिजिनल राइड है वो वहां से शुरू होगा। तो आगे से लीड कर रहे हैं हमारे साजिद भाई और पीछे से हमें लीड करने दिया गया है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। अपना आज का ग्रुप राइड शुरू हो गया है। यहां से हम पार्क सर्कस होते हुए, मां फ्लाईओवर से होते हुए, साइंस सिटी, चिंगड़ी घाटा, लेक टाउन होते हुए चिनार पार्क में आज सब इकट्ठा होंगे, फिर वहां से अपनी राइड शुरू होगी। एक भाई साहब BMW की कोई बाइक थी, उसमें आप अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए मस्त कटाते हुए आगे निकल गए।
अब लेक टाउन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर है लेक टाउन। अगर आप लेक टाउन से होते हुए जाते हैं तो यहाँ पर आपको लंदन वाला बिग बेन भी दिख जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ही बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है और बहुत भीड़ होता है, जैसे कि बाहुबली का भी थीम हुआ था यहाँ पर और बुर्ज खलीफा। बहुत यूनिक थीम यहाँ पर किया जाता है। क्या व्यू यार, क्या नजारा है, मजा आ जा रहा बाइक चलाने में, सही बता रहे हैं। मौसम भी आज ना बहुत शानदार होकर रखा हुआ है। आज श्याम बाबा का कोई शोभा यात्रा भी है, क्योंकि बहुत जगहों से हमने देखा है ऐसा शोभा यात्रा बहुत जगह से आज निकल रहा है। तो फाइनली जो है आज के हम अपने सेकंड स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे राइडर्स खड़े हैं। तो यहाँ जाना है और अपने ग्रुप को ढूंढना है। वो सबसे पहले थे, हम सबसे पीछे थे, तो देखना पड़ेगा कि वो पहुंच चुके हैं या फिर पीछे हैं। फिलहाल तो अपना बाइक पार्क करते हैं और वेट करते हैं अपने ग्रुप का। सारे ग्रुप्स आ चुके हैं और अपनी जो राइड है वो फाइनली अब स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। यहां से हम लोग जाएंगे थ्रॉटल सॉटल मोटो कैफे, अपना लास्ट पॉइंट आज का वही है। वहीं पर ब्रेकफास्ट है, कुछ इवेंट्स है, केक कटिंग है, सेलिब्रेशन है, वो सब होगा। और उसके बाद वहां से सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। पीछे एक एक्सीडेंट हो गया है, कोई पल्सर वाले भैया में थोड़ा जोश आ गया था। इतना बड़ा ग्रुप देख के लोग सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा कंपटीशन किया जाए। अरे भैया आप अपना बाइक चलाओ, सेफ्टी से चलाओ, क्या जरूरत है। तो पीछे एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। बंदा का जो बाइक है पूरा डैमेज हो गया है, उसको भी शायद चोट आया है। ये सब सही नहीं होता है यार, रास्ते पे आप जब निकल रहे हो तो सेफ्टी के साथ निकलो। किसको क्या दिखाना, आप बहुत स्पीड चलाते हो, क्या कर लोगे स्पीड दिखा के। सेफ्टी के साथ बाइक चलाना चाहिए, है ना। यहाँ अपने पूरे ग्रुप को रोका जा रहा है चेक करने के लिए। चेक किया जाएगा कि अपने बाइकर्स को या फिर बाइक को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, अपने सारे लोग सेफ है, सही है कि नहीं है। बस उसके लिए यहाँ पर एक स्टॉपेज लिया जा रहा है। ये दीदी अलग हीरोइन बनी पड़ी हुई है। हम लोग का जो लेन है उसमें हम लोग चल रहे हैं, फिर भी आके बार बार बीच में ढुक जा रही है, क्या ही बोले लोगों को। खैर चलिए आगे निकलते हैं साइड से।
चलिए कैफे के अंदर चलते हैं और कैफे का टूर कराते हैं, क्या क्या है यहाँ पर। तो भाई साहब, ये है हमारे साजिद भाई हम लोग को लीड करते हुए। जबरदस्त कैफे है भाई साहब, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डेकोरेट किया गया है, डिजाइन किया गया है, मतलब फुल रेट्रो लुक दिया गया है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आने के बाद। पहली बार आए हैं हम भी, पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कैफे भी है, लेकिन वाकई में ही बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्ट किया गया है। शानदार है, शानदार, बहुत ही शानदार है। बाहर आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको हर तरफ से सुपर मेटियोर 650 ही आज दिख रहा है इस सड़क पे। रोड के दोनों साइड में आपको सुपर मेटियोर 650 ही दिखेंगी आज। थैंक यू ऑल संडे सकाल वाला आशार जन्य फॉर दिस राइड। आई मीन इट्स वन ईयर, आई मीन यू गाइस ऑल नो, हैव बीन इन्फॉर्म दैट दिस इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन, नॉट जस्ट अ राइड for this awesome motorcycle that is here, Super Meteor 650, which I hope you all are enjoying. Everybody put a big applause, please, everyone. ये अपने को ब्रेकफास्ट मिला है यहाँ पर, सैंडविच है, पकोड़े हैं, फिंगर फ्राई है, सलाद है, देख के तो टेस्टी लग रहा है। चलिए अब खा के देखा जाए कैसा लगता है ये। चलो भाई शुरू करो। खुश तो नजर आ रहे हैं, टेस्टी तो है ये। चलिए हम भी अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। कभी कभी वेजिटेरियन होने का फायदा भी मिल जाता है, जैसे ये देखिए लाइन कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। ये सारे नॉन वेज वाले हैं इसलिए इनको लाइन लगाना पड़ रहा है, और वेजिटेरियन के लिए प्लेट्स पहले से रेडी थी, बस जाओ बोलो और ले लो। तो आज का जो छोटा सा राइड था वो यहीं पर अब समाप्त होता है। नाश्ता ब्रेकफास्ट जो था हम लोग कर चुके हैं। ये था आपका थ्रोटल, ये कैफे है, बहुत ही शानदार कैफे है, आपको अंदर का टूर करा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर पहुँचेंगे। बाइक जो है वो रिजर्व में चल रहा है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले से ही पेट्रोल नहीं था और रास्ते में आते समय पेट्रोल मैंने भराया भी नहीं, तो पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे, पहले पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल लेने के बाद सीधा घर जाएंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये ब्लॉग में काफी सारे जो वीडियो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% वीडियो वो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, ये पीछे बैठे हुए थे। और चलिए अब मिलते हैं बाइक पे। जाते समय हम लोग हावड़ा ब्रिज होते हुए गए थे और रिटर्न करते समय दूसरे रूट से आ रहे हैं, क्योंकि ये रूट जो है अपना ये नजदीक है। तो अभी हम लोग दक्षिणेश्वर होते हुए बाली ब्रिज होते हुए अपने घर जाएंगे। अभी हम लोग बाली ब्रिज पर उठने वाले हैं, यहाँ से अपना घर बहुत ही नजदीक है, 20-25 मिनट के अंदर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर अब यहाँ से टाटा बाय बाय करते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी आप सबसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और लाइफ को इंजॉय करें।